नमस्कार, एबीएनए न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। ऑक्सीजन, कोरोना काल में ऑक्सीजन किसी संजीवनी से कम नहीं है। जो लोग कोरोना से संक्रमित होते जा रहे हैं और जिनकी हालत बिगड़ती जा रही है, उनके लिए ऑक्सीजन संजीवनी है। कोरोना से लोग संक्रमित हो रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसे में ऑक्सीजन की भारी किल्लत पूरे देश भर में हो चुकी है। ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने से लोगों की मौत भी हो रही है, लेकिन जिन लोगों के पास ऑक्सीजन है वो लोग उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। ऐसे में करे तो करे क्या? अब ऑक्सीजन का मामला था, सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए, सरकार भी कह रही है हम कोशिश कर रहे हैं ऑक्सीजन को लाने में, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता था, वो बचता था कोर्ट का, न्यायालय का। क्योंकि आम लोगों को पुलिस पे से भरोसा उठ जाता है, प्रशासन पे से भरोसा उठ जाता है, लेकिन आर्मी का भरोसा न्याय पे हमेशा बना रहता है। तो ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिसमें कहा गया था कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है और जिन लोगों पर ऑक्सीजन है वो लोग उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। तो हाईकोर्ट ने भी सख्ती दिखाई, हाईकोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन जरूरी है, ऑक्सीजन की आपूर्ति जल्दी से जल्दी की जाए। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं राजेश छत्री, आइए इनसे बातचीत करते हैं। राजीव, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल एबीएनएन में। सर, ऑक्सीजन, हम कई मामले तो देखते हैं कोर्ट के अंदर जाते हैं जो उन्हें लगता है कि हाँ कोर्ट की जरूरत पड़ती है, जो न्यायिक क्षेत्र में आते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का मामला भी हाईकोर्ट पहुंच चुका है, क्या कहेंगे? वाकई हालात बहुत खराब हो चुके हैं देश के अंदर। चलो ठीक है, सी आज की डेट में देखिए, जब फर्स्ट वेव ऑफ कोविड आया था उस टाइम पर इस तरह की जो ऑक्सीजन का इशू नहीं आया था, बिकॉज फर्स्ट वेव के अंदर की सिम्टम्स में ऑक्सीजन का जो लेवल है, रिडक्शन लेवल, वो नहीं था। और इसलिए मेरे ख्याल से शायद अथॉरिटीज़ और हॉस्पिटल्स इवन दे वर नॉट प्रिपेयर फॉर दिस। पर जैसे ही सेकेंड वेव आया, सेकेंड वेव के अंदर देखेंगे मैक्सिमम जो केसेस आ रहे हैं उन केसेस के अंदर जो पेशेंट्स हैं उनके अचानक ही जैसे ही कोविड हिट किया उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो रिड्यूस होना शुरू होता है। और उस चक्कर में क्या है, बेचारे ऑल ऑफ दीज पीपल दे वॉन्ट टू गो टू दी हॉस्पिटल्स क्योंकि दैट इज़ द बेस्ट प्लेस, वहाँ पे बेड मिल जाए किसी तरह, क्योंकि बेड मिल जाए तो उनको ऑक्सीजन मिल जाएगा। एंड अनफॉर्चुनेटली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब क्योंकि पहले जब क्या होता था कि हॉस्पिटल्स को मोर देन आई थिंक नॉट मोर देन 20% की रिक्वायरमेंट था उनका, आई थिंक लेस देन 20% था, इवन दे नेवर एक्सपेक्टेड दैट दिस अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन वुड कम। बट जैसे ये नंबर्स अब इंक्रीज होने शुरू हुए और अचानक ड्रास्टिकली इंक्रीज होने शुरू हुए, तो द डिमांड इज़ फॉर मोर देन 70% नाउ ऑक्सीजन की हॉस्पिटल के अंदर, इवन दे आर नॉट रेडी विद दैट। अब कहाँ से आएगा ऑक्सीजन? ऑक्सीजन के प्लांट जो है महाराष्ट्र में, लेट्स से वी आर इन दिल्ली, महाराष्ट्र में प्लांट है या आंध्र प्रदेश प्लांट है, वहाँ से अगर उसको लाने के लिए भी जो लॉजिस्टिक है उसका भी अपना अपनी डिफिकल्टीज हैं, अपने चैलेंजेस हैं, वो नहीं ला पाएंगे इस टाइम क्योंकि हर तरफ लॉकडाउंस हैं, कहीं कर्फ्यूज हैं, दिल्ली में कर्फ्यू है। तो इन सिचुएशन के अंदर जब ऐसी सिचुएशन आ गई तो नाउ हॉस्पिटल्स पीपल दे ऑल वॉन्ट कि किसी तरह हमारे पास आज के डेट में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन के अंदर देर आर सर्टेन पीपल, सर्टेन सेक्स ऑफ पीपल जो कि इसकी कालाबाजारी या ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी है और दे आर नॉट कंसर्न कि कोई मर रहा है, जी रहा है, दे आर नॉट। तो इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस अ लॉट ऑफ पीएलस आर कमिंग बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट एज वेल एज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एंड इवन पीपल दे हैव फुल फेथ इन जुडिशरी सो फार, तो दे थिंक दैट इफ द कोर्ट फिर इंटरवेन और दे विल गिव ऑर्डर्स टू द अथॉरिटीज, टू द पीपल, टू द हूएवर इज इन्वॉल्व इन दिस, सो दे शुड नॉट गेट इन टू दिस काइंड ऑफ कालाबाजारी एंड बैक मार्केटिंग। एंड मोर ओवर इसकी जो सप्लाई है रेगुलर मिले, बिकॉज एट द एंड ऑफ डे इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर द पीपल। और ऐसे सिचुएशन में कोर्ट्स आती हैं एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम कि कोर्ट इस तरह के स्ट्रॉन्ग डिसीजन दें जिसमें कि लोग जो हैं जो कर रहे हैं वो उनको किसी तरह का डिटरमेंट रहे कि वो इस तरह की चीजें ना करें और दे स्टॉप प्लेइंग विद द पीपल ऑफ लाइफ, बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। राजेश जी, ऑक्सीजन की अगर आपूर्ति की बात करें तो इंडिया ऑक्सीजन का एक अच्छा खासा आपूर्ति करता है, कई प्लांट्स हैं यहाँ पे, कई बड़े बड़े प्लांट्स हैं, लेकिन आज की तारीख में देखा जाए ऑक्सीजन को लेके जो तबाही जो मची है, जो जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जो खलबली सी मची है, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि ऑक्सीजन को लेके हम लोग क्यों नहीं तैयार है? क्योंकि 2020 हमने देखा था, हमें ये भी पता था कोरोना की दूसरी लहर आएगी भी, लेकिन हमें तैयारी तो पूरी करके रखनी चाहिए थी। ये फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि जब आपको पता है, क्योंकि सेकेंड वेव हमारे यहाँ पे आने से पहले यूरोप में और यूके में पहले ऑलरेडी आ चुकी है एंड पीपल हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस। अगर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन नहीं लिए तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट टू एन एक्सटेंट,
दे शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर दिस, क्योंकि आज की डेट में देखिए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ का जब आता है ना, तो पीपल दे डू नॉट वॉन्ट एनी थिंग एल्स, दे वॉन्ट टू सेव देयर फैमिलीज themselves. तो मुझे लगता है कि इट्स अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद. ऑक्सीजन का मामला भी दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा, बहुत ही ताज्जुब की बात है. और ये इसलिए पहुंचा है कि लोगों को लगा कि अगर हम कोर्ट के दरवाजे पर नहीं जाएंगे तो शायद हो सकता है कि हमारी जान नहीं बच पाएगी. क्योंकि जब पुलिस नहीं सुनती है, जब प्रशासन नहीं सुनती है, जब सरकार नहीं सुनती है, तो लोगों की उम्मीद एक ही होती है, और वो होती है कोर्ट की तरफ. कोर्ट ने भी दिखाया है कि हम हैं, हमारे देश में कानून का राज है. अब कोर्ट ने कहा सरकार को कि आप जो ऑक्सीजन की आपूर्ति उससे जल्द से तेज करिए. लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं, ऐसा तबका भी है जो कालाबाजारी करता है, जिनको इंसान की मौत से कोई मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ पैसा चाहिए, और चाहे किसी मौत से आए चाहे कैसे भी आए. और यही हमारे देश के अंदर हो रहा है, क्योंकि हर इंसान आज की तारीख में जो कालाबाजारी करने वाले हैं वो अवसर, यानी आपदा में भी अवसर देखते हैं, और अवसर वो देख भी रहे हैं. लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्ती के बाद अब कहीं ना कहीं देखते हैं कि सरकार किस तरह से ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करती है. क्या प्रसाद राहुल के साथ सुरेश झा, ABN News दिल्ली. We'll be right back.